द इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज द होल कंसेंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन की वैल्यू सेम है स्मॉल एन की। दो अलग अलग कंडक्टर्स हैं, एक आपका एन टाइप है एक आपका पी टाइप है, दोनों में एन, और एक में एन ई होगा एक में एन एच होगा, तो दोनों में बराबर है। तो ये पूछ रहा है कि एक्सटर्नल फील्ड अगर अप्लाइड किया जाए, बढ़िया प्रॉब्लम आया था ये, आपके भी आ सकता है ठीक है ना, अक्रॉस ईच ऑफ देम, तो कंपेयर द करेंट्स इन देम, तो कौन से में करेंट ज्यादा होगा ठीक है, कौन से में करेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो करेंट क्या होगा आपको बताया गया था क्या, मोबिलिटी से कैसे रिलेट होता है, करंट यस मोबिलिटी से सर। कैसे रिलेट होता है, कोई फार्मूला याद है किसी बच्चे को या सब आई भूल इक्वल गए? टू हाँ एनी म्यू। देखो याद हो गया ना, इसलिए फायदा होता है, क्लास भी आओगे तो बहुत ही कुछ सीख के जाओ, कुछ चीजें हमेशा के लिए बार बार मैं बोलता रहता हूँ तो ये रट जाती है, एनी इंटू म्यू ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन और होल का ये तो सेम होता है, ये तो आपने सेम कर दिया क्योंकि आपने कहा कि कंसेंट्रेशन बराबर है, तो ये दोनों सेम हो गए, दोनों दोनों सेमीकंडक्टर के केस में ठीक है। ये पर मीटर क्यूब सेम है दोनों में, चार्ज सेम होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन का, क्या बच गया मोबिलिटी। तो अब मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की हाँ अब याद रखना है, कोई डिराइव थोड़ी नहीं कर लिया आपने कहीं से, याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ द होल, क्लियर है? तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, करंट इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मोर देन कंडक्ट करंट इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है? तो यही कर रखा है इसने, म्यूबिलिटी ज्यादा है तो आई इज ग्रेटर देन आई एस। तो आपके भी हो सकता है कुछ आ जाए ऐसा, तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से ज्यादा है ठीक है। तो ये लास्ट प्रॉब्लम था आपके लेक्चर।